और आज आपको वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं शेयर इंडिया की रवि सिंह। रवि, स्वागत है आपका टीनएस उद्देश्य पर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए, आज क्या चुना है आपने वीआईपी के तौर पर? अभिषेक जी, देख ही रहे हैं सभी सेक्टर में तेजी है और अच्छी तरीके से अच्छे से सभी सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और ऐसे में एक सेक्टर है जिससे हमें थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, वो है माइनिंग सेक्टर। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल चुका है, लेकिन फंडामेंटल के नंबर्स जो हैं वो अब अट्रैक्शन लेवल यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनएमडीसी की, जो कि इस समय चल रहा है 170 रुपए का हाई बनाने के बाद एक अच्छे करेक्शन पे है, अच्छे वैल्यूएशन पे है। नंबर्स भी जो है एक्सपेक्टेड थे वो अब स्टेबिलिटी की तरफ दिखा रहे हैं, तो अगला जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो यहाँ से 18 से 20% का बहुत इजीली टारगेट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, और 145-150 आने वाले 6 महीने आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पिक के हिसाब से आज आप एनएमडीसी पे आप निवेश करके अपना पोर्टफोलियो में अच्छी बड़ी बड़ी बढ़त यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो दरअसल 105 है वो स्टॉप लॉस है, 145 है वो आपके लिए टारगेट है, खरीदना है आपको एनएमडीसी। रवि सिंह की सलाह आपके लिए। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन वीआईपी शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। 117 रुपए के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, तो आपके लिए अच्छे खासे प्रॉफिट की गुंजाइश बन जाएगी एनएमडीसी के शेयर में। और अब लेकर आएंगे खास ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मुनाफे का ऑप्शन। और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं क्वांटसेप एडवाइजरी की टीना गडोदिया। टीना, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। बताइए, आज आपने ऑप्शन के लिए क्या चुना है? कॉल ऑप्शन है आपके पास? जी, सो गुड आफ्टरनून। सो आज का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कॉल ऑप्शन, वो रहेगा ऑयल स्पेस में से बीपीसीएल पे। तो अगर हम डेटा देखें तो ओएमसी स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम पिकअप हो रही है। स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है कि एक थोड़े से लॉन्ग अक्युमुलेशन लास्ट 2-3 दिन में हो रहे हैं, और ग्रेजुअली उनका जो ओआई है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो एक फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हमें दिखाई दे रहा है बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में। सो इसमें बीपीसीएल में मैं ट्रेड लेना चाहूंगी, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया है, 335 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, और अब जैसे कि एक्सपायरी पास में आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये जो कॉल है वो ऊपर में 355 तक जा सकता है। सो हम 340 के कॉल ऑप्शन करीब 6.65 to 6.8 ये रेंज में बाय करना रहेगा। इसका टारगेट रहेगा 12 का और स्टॉप लॉस रहेगा 4.5 का। ठीक है, तो बीपीसीएल की 340 वाली कॉल आपको खरीदनी है, और इसमें टारगेट होगा 12 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 4.5 का, आपको इसमें लगा के चलना है। स्टॉक में तेजी है। वैशाली जी, आपने भी शायद सुझाया था बीपीसीएल आज अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, वैशाली की भी लिस्ट में आज ये शेयर था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और इसके अलावा बिल्कुल बीपीसीएल 355 के टारगेट से खरीदने की सलाह मिली थी। तो इसमें आपको ट्रेड करना ट्रेड कर लीजिए, अगर आपको ऑप्शन के जरिए लेना है तो आपको लिए ऑप्शन की रणनीति भी टीना ने आपके लिए सुझा दी है। टीना, खैर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटजी हमें बताने के लिए।